केंद्र सरकार ने विधानसभा क्षेत्र गगरेट में 44 करोड़ की लागत से बनने वाले बहुप्रतीक्षित लोहारली से चुरडू पुल की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। गौरतलब है कि स्वां नदी पर बनने वाला ये पुल 500 मीटर स्पैम का होगा और डबल लेन होगा। इस पुल के निर्माण से लगभग 2 दर्जन गांवों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इसके बनने से ऊना और गगरेट के बीच लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी कम होगी। आपको बता दें कि ये पुल गगरेट विधानसभा क्षेत्र के लोहारली और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के चुरडू को मुख्य जिला सड़क मार्ग से जोड़ेगा। इसके लिए केंद्रीय सड़क निर्माण फंड के तहत बजट की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्थानीय लोग इस पुल के लिए पिछले काफी समय से मांग करते आ रहे थे। पुल की स्वीकृति की घोषणा के बाद स्थानीय लोगों ने ढोल की ताप पर नाचकर और मिठाई बांटकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। किसानों के लिए है कि बरसात के टाइम में उनके लिए बहुत ही हर के लिए है, आना जाना खुला रहेगा। क्या कहेंगे आप, क्या बोल रहे थे? मैं क्या गांव के जो मतलब जिम्मेदार है उनके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि उनको इधर किसानों को दिक्कत मतलब है ना, मंडी जाने के लिए मंडी के जाने के लिए सब्जी किसान तो तभी लेके जाएंगे जब बरसात के मौसम में सब्जी सुहाग जाने दिक्कत आ जाती थी ना जाने में। कम से कम 50 किलोमीटर अप डाउन पड़ता था इधर से जाके, अब ये यहाँ से तो वहाँ जा रहे हैं 2 किलोमीटर ऐसे ही बड़ी ट्रैफिक है इस रोड में। कृषि के लिए पार आना जाना बरसात के टाइम में कभी यहाँ पे जाओ कभी मुबारकपुर जाओ कभी वहाँ से गुजरना पड़ता, ट्रैक्टर खतरनाक था रास्ता वो 1 घंटे आज ये हमें मिल गया, हमें इसे बहुत ही खुशी की लहर है। हम तो ये चाहते हैं किसके आभारी रहेंगे, जेठ ठाकरे साहब और अनुराग ठाकुर, तय दिल से इन्होंने जो काम किया है हमें बहुत। पुल की स्वीकृति मिलने पर स्थानीय विधायक राजेश ठाकुर ने केंद्र और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि ये पुल 2 विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सेतु का काम करेगा। राजेश ठाकुर ने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिया। चुरडू ब्रिज की कल स्वीकृति मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अनुराग ठाकुर जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का मैं हार्दिक तौर पर अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। ये पुल जो हरोली गगरेट और चिंतपुर्णी को जोड़ने का काम करेगा और जिससे 26 किलोमीटर की दूरी कम होगी, ये हमने सरकार जब हमारी बनी थी माननीय जयराम ठाकुर जी ने घोषणा की थी, माननीय अनुराग ठाकुर जी ने भी अपने मंचों पर घोषणा की थी और आज ये पुल की स्वीकृति मिलने से गगरेट वासियों में बहुत खुशी की लहर फैली हुई है और बहुत लोग प्रसन्न हैं, क्योंकि ये बहुत परसों पुरानी मांग थी लोगों की। ये राम सेतु का काम करने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया है, इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।